हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल में। इस वीडियो में हम लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकेंड पीएम थे और इनके हम बर्थ एनिवर्सरी को 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 अक्टूबर को हम दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तो इससे पहले मैं महात्मा गांधी को कवर कर चुका हूँ, तो आई बटन पर लिख दे दूँगा। तो इस वीडियो में हम लाल बहादुर शास्त्री पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज लाल बहादुर शास्त्री बोर्न? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है 1904, 1904 में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के नजदीक वाराणसी में मुगल सराय में हुआ था। और यहीं पर हम बात कर ले महात्मा गांधी, तो इनका जन्म 1869 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी से काफ़ी छोटे थे, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। और यहाँ पे हम बात कर ले मुगल सराय के बारे में, तो मुगल सराय का अब नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है। तो ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है, अब मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है। तो इनका जन्म वाराणसी के नजदीक यहाँ पे हुआ था, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो आप इसे पॉज कर रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम इम्पोर्टेंट एमसी को ही कवर करेंगे, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है इनसे रिलेटेड, तो आप इसे पॉज कर रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हु गिव द टाइटल शास्त्री टू लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किसके द्वारा लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ से इन्हें शास्त्री की उपाधि मिला था। तो 1926 में जब ये बैचलर की डिग्री कंप्लीट किए थे, तो इन्हें काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि दिया गया था। और शास्त्री का मीनिंग होता है स्कॉलर, एक विद्वान, तो ये टाइटल इन्हें काशी विद्यापीठ से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन वाज लाल बहादुर शास्त्री बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी? लाल बहादुर शास्त्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव कब बने थे? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है 1951, 1951 में ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंडर में ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी 1951 में बने थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ड्यू टू विच एक्सीडेंट? लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ रेलवे मिनिस्टर। तो यहाँ पर आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री जी मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री थे। तो किस दुर्घटना के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अरियालूर। तो अरियालूर ट्रेन एक्सीडेंट ये तमिलनाडु में हुआ था 1956 के आसपास में। तो ये 1956 में रेल मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिए थे और ये पहले मिनिस्टर बने थे इस्तीफा देने वाले, रिजाइन करने वाले। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। तो ये अरियालूर तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट, व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स? लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री कब बने थे? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है 1961, 1961 में इन्हें गृह मंत्री बनाया गया था। तो ये 7 दिसंबर 1956 में रेलवे मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन किए हुए थे। उसके बाद इन्हें 1959 में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद 1961 में इन्हें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बनाया जाता है। तो पहले मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये 6ठे होम मिनिस्टर थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ये 6th होम मिनिस्टर थे, जो 1961 से 1963 तक सर्व किए थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द सेकेंड पीएम ऑफ इंडिया? लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कब बने थे? तो यहाँ पे आपको बताना है ये भारत के सेकेंड पीएम कब बने थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1964, 1964 में ये भारत के सेकेंड पीएम बने थे। तो जब जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद ये भारत के सेकेंड पीएम बनते हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। तो इससे पहले मैं जवाहरलाल नेहरू का भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम
लाल बहादुर शास्त्री ने कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए? तो यहाँ पर आपको बताना है ये कब से कब तक भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1964 to 1966। तो ये 1964 से 66 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मनी मंथ्स डिड लाल बहादुर शास्त्री जी सर्व एज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर? लाल बहादुर शास्त्री जी कितने महीनों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे? तो यहाँ पर आपको बताना है ये कितने महीनों तक भारत के पीएम के रूप में सर्व किए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 18th month। तो ये 18 महीने तक भारत के पीएम के रूप में सर्व किए। तो ये भारत के सेकेंड पीएम थे जो 9 जून 1964 से अपने मृत्यु के 11 जनवरी 1966 तक रहे। तो ये ऑलमोस्ट 18th month तक भारत के पीएम के रूप में सर्व किए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री वाई द लीडर ऑफ विच पार्टी व्हेन ही वाई द पीएम? लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो किस पार्टी के नेता थे? तो यहाँ पर आपको बताना है जब ये भारत के पीएम थे तो उस टाइम ये किस पार्टी के लीडर थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम लीडर थे। तो 1928 में महात्मा गांधी के कॉल पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्टिव एंड मैच्योर मेंबर बन गए थे। तो ये 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्टिव एंड मैच्योर मेंबर बन गए थे महात्मा गांधी के कॉल पे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन 1964 विच पोर्टफोलियो वाज गिवेन टू इंदिरा गांधी इन द गवर्नमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? 1964 में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंदिरा गांधी को कौन सा विभाग दिया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के पीएम थे तो उस टाइम ये इंदिरा गांधी को कौन सा पोर्टफोलियो दिए हुए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये 1964 में इंदिरा गांधी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का पोर्टफोलियो दिए हुए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन वाज प्रमोटेड बाय लाल बहादुर शास्त्री? निम्नलिखित में से किस क्रांति को लाल बहादुर शास्त्री जी ने बढ़ावा दिया था? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से किस रिवॉल्यूशन को लाल बहादुर शास्त्री जी प्रमोट किए हुए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो ये श्वेत क्रांति को प्रमोट किए हुए थे। तो श्वेत क्रांति ये मिल्क के प्रोडक्शन से संबंधित था, व्हाइट रिवॉल्यूशन ये मिल्क के प्रोडक्शन से संबंधित था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी व्हाइट रिवॉल्यूशन को प्रमोट किए हुए थे जो मिल्क की सप्लाई और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक नेशनल कैंपेन था। देन इसके अलावा इनके द्वारा ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी प्रमोट किया गया था 1965 के आसपास में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ये बेसिकली वीट के प्रोडक्शन से संबंधित था। तो भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है और वाइट रिवॉल्यूशन के फादर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो इससे पहले मैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन या जो कलर रिवॉल्यूशन है तो इस टॉपिक पे कवर कर चुका हूँ। तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दे दूंगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये दो क्रांति को सपोर्ट किए हुए थे। तो नेक्स्ट है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वार 1965? इंडो पाक वार 1965 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है जब 1965 में इंडो पाक वार हुआ था तो उस टाइम भारत के पीएम कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। तो उस टाइम भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और यहीं पे आपसे पूछेगा प्रेसिडेंट, उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उस टाइम भारत के सेकेंड प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इससे पहले मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इंडो पाक वार 1965 के दौरान भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन वाज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री? निम्नलिखित में से कौन सा नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। देन बाद में इसी में अटल बिहारी वाजपेयी जी जय विज्ञान को भी ऐड करते हैं। देन ऑप्शन में और भी स्लोगन है तो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जय जगतीय विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था जो 1951 में बुद्धा मूवमेंट को शुरू किए हुए थे।
तो विनोबा भावे के द्वारा जय जगत का स्लोगन दिया गया था। देन इसके बाद काम अधिक बातें कम, तो ये संजय गांधी के द्वारा दिया गया था। देन इसके बाद देश बचाओ देश बनाओ, तो ये माना जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा दिया गया था। बट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी का कौन सा नारा था, तो इनका नारा था जय जवान जय किसान। तो ये जब 1965 में इंडो पाक वार हुआ था, तो इंडो पाक वार के दौरान ये स्लोगन दिए हुए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। तो इससे पहले मैं जो भी इम्पोर्टेंट स्लोगन है जो हमारे इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे उनके द्वारा दिए गए हैं, तो इस लेक्चर को भी कवर कर चुका हूँ, तो आप इसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ताशकंद एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर ऑफ, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट ये किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1966, 1966 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री एंड, लाल बहादुर शास्त्री और किसके बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर बताना है लाल बहादुर शास्त्री और किसके बीच में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। तो ऑप्शन विद राइट आंसर अयूब खान। तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। तो 10 जनवरी 1966 में भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री और उस टाइम के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। तो ये एग्रीमेंट उस टाइम USSR के अंडर में ताशकंद एक शहर था जो प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पे ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 10 जनवरी 1966 में भारत के पीएम और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में। तो ये उस टाइम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था अयूब खान। तो इन दोनों के बीच में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री डाइड, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस देश में हुई थी। तो यहाँ पे आपको बताना है इनका मृत्यु किस कंट्री में हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। तो इनका मृत्यु उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में गए हुए थे। तो इनका मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हो गया था। तो उज्बेकिस्तान उस टाइम सोवियत यूनियन का हिस्सा था, उस टाइम ये सोवियत यूनियन में आता था जिसे USSR भी कहा जाता है। तो उस टाइम ये USSR का ही हिस्सा था, बाद में ये अलग हो गया था। तो इनका मृत्यु उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद समझौता के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में गए हुए थे। तो इसी समझौता के दौरान 12 घंटे के बाद ऑफिशियली दिल के दौरा पड़ने के कारण इनका मृत्यु हो गया था। तो ऑफिशियली नोट किया गया कि दिल का दौरा पड़ने पर मृत्यु हो गया था, लेकिन इनका मृत्यु एक मिस्टीरियस इनका एक रहस्य है कि किस प्रकार मृत्यु हुआ था। तो ये जब गए हुए थे तो उसी के 12 घंटे बाद 11 जनवरी 1966 में इनका मृत्यु ताशकंद में ही हो गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हुई द ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू डाई आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर मरने वाले एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका मृत्यु भारत के बाहर हो गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द समाधि साइट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि साइट का क्या नाम है। तो यहाँ पे आपको इनके समाधि साइट यानी मेमोरियल प्लेस का नाम बताना, मेमोरियल प्लेस का क्या नाम है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है विजय घाट। तो इनके मेमोरियल प्लेस का नाम विजय घाट है जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये प्लेस ही पूछे जाते हैं विजय घाट ये किसका मेमोरियल प्लेस है या कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। देन इसके अलावा ऑप्शन में कुछ और भी मेमोरियल प्लेस हैं तो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राजघाट, तो राजघाट ये महात्मा गांधी जी का ये जान ही रहेंगे जो न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है। देन इसके अलावा शक्ति घाट, तो शक्ति घाट ये इंदिरा गांधी जी का मेमोरियल प्लेस है जो न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है। देन इसके बाद चैत्य भूमि, तो चैत्य भूमि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का मेमोरियल प्लेस है जो मुंबई में लोकेटेड है। तो इससे पहले मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कवर कर चुका हूँ, तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो ये मेमोरियल प्लेस मुंबई में लोकेटेड है। बट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी का, तो इनका मेमोरियल प्लेस विजय घाट है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट पोस्टमस रेसिपियंट ऑफ भारत रत्न, भारत रत्न के पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ये भारत रत्न के पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन वाज लाल बहादुर शास्त्री
ऑनर्ड विथ भारत रत्न, लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर 1966, 1966 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 1966 में मरण उपरांत भारत रत्न दिया गया था, तो इन्हें पोस्टियोनिमस भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, और ये पहले व्यक्ति बने थे पोस्टियोनिमस अवार्ड पाने वाले 1966 में। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्विस ऑन द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर निम्नलिखित में से कौन दो बार भारत के एक्टिंग पीएम बने थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, गुलजारीलाल नंदा। तो गुलजारीलाल नंदा जी ये भारत के दो बार एक्टिंग पीएम बने थे, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री इज ऑल्सो नोन एज, लाल बहादुर शास्त्री को किस रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है इन्हें और किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, मैन ऑफ पीस। तो इन्हें मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, मैन ऑफ पीस। नेक्स्ट है, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम लोकेटेड? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, हैदराबाद। हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो इस स्टेडियम को पहले फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था। तो ये तेलंगाना हैदराबाद में एक मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम है। तो इस स्टेडियम का रीनेम भारत के फॉर्मर पीएम लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरी में 1967 में किया गया था। तो 1967 में इस स्टेडियम का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कर दिया गया था, और ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड इन, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, मसूरी। मसूरी उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड है। तो कई लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में लफ्सना भी कहते हैं, तो ये उत्तराखंड मसूरी में स्थित एक सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो इस एकेडमी का मेन पर्पस है सिविल सर्विस ऑफिसर को ट्रेन करना, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, देन इसके अलावा ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस जिसमें इंडियन फॉरेन सर्विस भी आता है। तो इस एकेडमी का मेन पर्पस है सिविल सर्विस ऑफिसर को ट्रेन करना। तो ये ऑप्शन में पूछे गए स्टेटमेंट के रूप में, तो लप्सना का मेन पर्पस है सिविल सर्विस ऑफिसर को ट्रेन करना, जो मशहूरी उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रीनेम्ड एज लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कब किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, 1972, 1972 में रीनेम किया गया था नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अक्टूबर 1972 में रीनेम किया गया था, और जुलाई 1973 में इसमें नेशनल वर्ड को ऐड किया गया था। तो जो ये नेशनल है तो इसे 1973 में ऐड किया गया था, देन उसके बाद ये लफ्ना बन गया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1972 में लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरी में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का रीनेम किया गया था लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और बाद में फिर इसमें नेशनल वर्ड को ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, वाराणसी। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। तो इस एयरपोर्ट को पहले वाराणसी एयरपोर्ट कहा जाता था, लेकिन 2005 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है, वाराणसी में ये स्थित है। नेक्स्ट है, हु डायरेक्टेड द इंडियन मूवी द ताशकंद फाइल्स अबाउट द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पर बनी भारतीय फिल्म द ताशकंद फाइल्स का निर्देशन किसने किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री के द्वारा द ताशकंद फाइल्स को डायरेक्ट किया गया था, जो लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु पर बना एक इंडियन मूवी था। तो यह मूवी 2019 में हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुआ था, जिसे डायरेक्ट
विवेक अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि आपका कोई क्वेरी तो वही पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।